जी बताइए सर, आज किस तरह का? आज देखिए, आज का जो मूल उद्देश्य था पूरा ये था कि दरगाह क्षेत्र को विजिट करके देखा जाए कि किस हिसाब से हम ऐसी व्यवस्था करा सकें कि जायरीनों को भी समस्या ना हो और कोविड की गाइडलाइन की पालना भी हो, और यदि कोई व्यक्ति वैक्सीन लगाए बिना आ गया है तो उसको वैक्सीन की व्यवस्था भी कराई जा सके। उसके लिए बहुत आवश्यक था कि सिक्योरिटी के कंसर्न से, हेल्थ के कंसर्न से और नगर निगम की तरफ से क्या क्या हमारे को व्यवस्थाएं करवानी है वो एक बार देखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम देख भी सक पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की संभावना हो जाती है। अपनी तरफ से हमने सरकार को भी निवेदन किया है, अन्य राज्यों की सरकारों को भी निवेदन किया है कि कम से कम लोगों को भेजें ताकि कोविड 19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना हो सके। आने वाले जो आगामी उर्स हैं उनको कितनी गैदरिंग की आपने इजाज़त दी है? आप देखिए, अभी जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन हमारी एक एवर चेंजिंग कंसिडरेशन है। आज की डेट में जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से नाइट कर्फ्यू है तो नाइट कर्फ्यू की भी पालना हो रही है, वीकेंड कर्फ्यू है वीकेंड कर्फ्यू की पालना हो रही है। यदि उसमें किसी प्रकार की शिथिलता दी जाती है तो हम उसके हिसाब से तैयारी कराएंगे। यदि अगर हमारे को शिथिलता दी जाती है कि बाहर से लोगों को आने की अनुमति दी जाए तो हम उसके हिसाब से कराएंगे, और यदि उसके ऊपर ये कहा जाता है कि साहब आपको गाइडलाइंस के हिसाब से लोगों को कम से कम बुलाना है और उनको रोकना है तो हम उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसके लिए ये समझना बहुत आवश्यक था कि दरगाह के आसपास की व्यवस्था क्या है, क्या स्थिति है, उसको देखने का ही आज उद्देश्य था, उसी हिसाब से आज विजिट। सर, आगामी उर्स के अंदर वीकेंड और बीच के अंदर उसको लेकर आप देखिए, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, हमारा काम उसको पालना करवाना है। दरगाह कमेटी का, हमारे जो अंजुमन है उनका, हमारी जो टीम है नगर निगम, हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं और सरकार की गाइडलाइन की पालना करने में समस्त लोग, समस्त अजमेर वासी हमेशा आगे आए हैं और मैं आशा करता हूँ इस बार भी आगे आए।